नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन समाधान सेंटर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे गरुड़ ऐप के बारे में, जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों के सहायता के लिए बनाया है। बूथ लेवल अधिकारियों को जो समस्याएं आ रही थी, उन सबका समाधान है इस गरुड़ ऐप में। तो हम आपको आज दिखाएंगे गरुड़ ऐप कैसे काम करता है और इसे हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना है। देखिए, मैं प्ले स्टोर पर आ गया हूँ। अब यहाँ हमें गरुड़ ऐप लिखना है। ये मैंने गरुड़ ऐप लिख दिया है। अब इसमें देखिए, सेकंड नंबर पे गरुड़ ऐप दिखा रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ इंस्टॉल कर रहा है, हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ से ओके करना है। ये देखिए, ऐप इंस्टॉल हो रहा है हमारे मोबाइल में। आगे का प्रोसेस हम इंस्टॉल होने के बाद आपको बताएंगे। ये इंस्टॉलिंग चल रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ से ओपन करना है इसको। ये कुछ परमिशन लेता है, इसको आपको अलाउ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी है। तो इसे हम अलाउ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अलाउ कर दिया है। अब इसका लॉगिन पेज आएगा। ये देखिए, इसका लॉगिन पेज है। तो यहाँ हमें पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जो भी प्रदेश आपका हो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट असेंबली करेंगे। अगर आप कहीं कानपुर के हैं, अकबरगंज के हैं, कहीं के भी हैं, आप अपना जो BRC सेंटर है, जो विधानसभा है, उस हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये बूथ लेवल अधिकारियों के लिए केवल है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ लखनऊ का, और आगे की प्रोसेस को आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लखनऊ सेंट्रल मैंने सेलेक्ट कर लिया। बूथ लेवल अधिकारी का जो भी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में मोबाइल नंबर पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उसको आप यहाँ यूजर ID में यूज करेंगे, वही आप पासवर्ड में यूज करेंगे। और उसके बाद जो आपकी भाग संख्या या पार्ट नंबर जो भी है आपका है, वो आप यहाँ से लिख देंगे इसको, जो भी है। इस तरह से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे लिख कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद एक OTP आएगी। OTP वेरीफाई करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं OTP वेरिफिकेशन करके आगे का प्रोसेस। लॉगिन पेज पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना असेंबली विधानसभा सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना जो वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर मोबाइल नंबर पंजीकृत है उसको यूजर आईडी और पासवर्ड में अंकित करना है, फिर आपको अपनी भाग संख्या लिखनी है, और उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये वेरिफिकेशन पेज खुल के आएगा, एक OTP आपको आएगी। आप अपना OTP अंकित करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। तो मुझे OTP आ चुकी है, मैंने OTP अंकित भी कर दिया है। अब मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड करूँगा और आगे का प्रोसीजर आपको दिखाऊँगा। ये जो फ़ोन का स्टोरेज है वो दिखा रहा है, रैम कितनी है वो दिखा रहा है, OS क्या है, कौन सा सिम यूज हो रहा है, कौन सा मॉडल फ़ोन का है, और कितने मतदाता हैं वो दिखा रहा है। इसको हम सबमिट करेंगे और आगे प्रोसीजर को देखेंगे। अब मैं इसको सबमिट कर दिया हूँ, और ये देखिए, फाइनल पेज खुल के आ गया है। इसमें गरुड़ लिखा हुआ है ऊपर, देखिए इसमें फार्म लिखे हुए हैं, टोटल फार्म रिक्वेस्ट, फार्म 6, 6A, फार्म 7, फार्म 8, फार्म 8A। यहाँ देखिए, पहला नंबर जो है न्यू फार्म्स 0 दिखा रहा है। यहाँ से हम बूथ लेवल अधिकारी कोई भी फार्म आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए न्यू फार्म का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन न्यू फार्म, अगर किसी का नया मतदाता बनना है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, जो बूथ लेवल अधिकारी हैं। किसी का ट्रांसफ़र शिफ्टिंग होना तो वो भी कर सकते हैं, किसी का डिलीशन होना है तो वो भी कर सकते हैं, करेक्शन होना तो वो भी कर सकते हैं। सारा फार्म आप यहां से भर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं, वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है। अगर कोई आपके पास आवेदन कर दिया है तो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं।
तीसरा ऑप्शन ये देखिए, टोटल कंप्लीट फार्म जो आपके वेरिफिकेशन किए गए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 7 दिन में कितने फार्म आपने कंप्लीट किए हैं वो देख सकते हैं, और आपने कितने फार्म 7 दिन में वेरिफिकेशन किए हैं वो चौथे कॉलम में आपको दिख रहा है। आपके पास पुरुष मतदाता कितने हैं और महिला मतदाता कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं वो यहाँ नीचे दिख रहा है। आप यहाँ से क्लिक करके उनकी डिटेल्स जान सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी मैं दे दिया हूँ, अगर कोई जानकारी छूट रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में और बताएं, मैं आपको वो जानकारी स्पष्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ नमस्कार।